जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 18वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि श्री राम ने श्री माता जी की आज्ञा से धर्मारण्य से गए हुए ब्राह्मणों की खोज कराई और उन्हें वापस बुलवाया। जब सभी ब्राह्मण वापस आ गए तब श्री राम ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं श्री माता जी की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें। सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार उतारता है और अपात्र लोहे की पिंड के समान केवल डुबाने वाला होता है। ये ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मणता नहीं आती, उसके साथ साथ अच्छे कर्म भी होने चाहिए। संसार में किया कर्म ही बलवती होता है। कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से भला कहां से फल प्राप्त होगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं। अब यश का कार्य प्रारंभ होने वाला है, आप लोग सदा इस पर कृपा करें। तब वे सभी ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे और उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, हम तो शिलोच्छ वृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं, पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर केवल धर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं। हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, अतः हम भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। उन ब्राह्मणों में से कुछ तो एकाहित व्रत वाले थे, वे दिन में एक बार भोजन करते थे। कुछ अमृत वृत्ति से रहते थे, यानी बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, वे एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह नहीं करते थे। सभी ब्राह्मणों के गुण और स्वभाव अलग अलग थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगे कि हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात दान कैसे स्वीकार कर लें। जब तक ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा, जब तक उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तब तक तो हमने किसी का तांबूल भी स्वीकार नहीं किया है। ब्राह्मणों की बातें सुनकर श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से परामर्श किया और गुरु के साथ उन्होंने भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सभी देवता वहां पर आ गए। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया और वह सब वृतांत निवेदन करते हुए कहा कि मैं इस क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से यहाँ हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। उसके बाद वे सभी ब्राह्मण तीनों भगवानों को प्रणाम करके हर्ष में भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घ्य, पाद्य आदि विधि से श्रद्धा से सबका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षण भर विश्राम करके विनय से हाथ जोड़े हुए श्री राम से बोले, हे सूर्यवंश विभूषण राम, तुमने विद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महास्थान का उद्धार करो और महान सुयश को प्राप्त करो। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य करना आरंभ कर दिया। उन्होंने पहले महान पर्वत के समान सुंदर और विशाल वेदी बनवाई। उसके ऊपर अनेक सुंदर ग्रहशाला और ब्रह्मशाला आदि का निर्माण कराया। उस शालाओं में यथास्थान खजाना और ग्रह उपयोगी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं, रस और वस्त्र आदि से ये शालाएं भर गई थी। उनमें धन धान्य समृद्धि और सब प्रकार की धातुओं का संग्रह किया गया। यह सब करके श्री राम ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मण को 10-10 दूध देने वाली गोएं दी। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए 4,004 गांव दिए और ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन देवताओं को उन्होंने स्थापित किया। इसीलिए संसार में त्रैविद नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत दान दिया। उन्होंने वहां पर अपने कुल के स्वामी भगवान सूर्य को स्थापित किया। चारों वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की। महाशक्ति श्री माता और श्री हरि को स्थापित किया। विघ्नों का निवारण करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी और अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और यह नियम किया कि जो भी यहाँ शुभ और मांगलिक कार्य करे, जैसे पुत्र होने पर जातक्रम संस्कार, अन्नप्राशन, मुंडन आदि कर्म करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम, कोटि होम करे, वास्तु पूजा या ग्रह शांति करे, ऐसे महोत्सवों के अवसर पर मनुष्य जो भी कुछ द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु,
स्वर्ण रजत आदि का जो भी दान ब्राह्मणों के लिए दे, उससे पहले ही कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि होने के लिए भगवान बकुलादित्य और श्री माता का भाग निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके कर्म में विघ्न उपस्थित होंगे। और ऐसा कहकर श्री राम ने प्रसन्न चित्त से देवताओं की बावलियां, सुंदर चार दीवारियां, दुर्ग के उपकरणों और विस्तृत सड़कों और गलियों का पुनर्निर्माण कराया। इस तरह इन सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें त्रिविद्या के मुख्य मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री राम जी का शासन वहां ताम्रपत्र पर लिखकर रख लिया गया और उसको जो भी कोई लोप करेगा, उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे, उसके आगे के कुल में संतति नहीं होगी। उसके बाद श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे महावीर वायु पुत्र हनुमान, यहाँ पर तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए सदा यहीं पर वास करो। तब हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। व्यास जी कहते हैं, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते, सोते, चलते, बैठते, सुख में या दुख में राम राम का जाप करते हैं, उन्हें दुख, दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु, संपत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है और नरक में नहीं पड़ता, अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थ का उद्धार करके सब कार्य पूरा कर ब्राह्मणों की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया। गाय, घोड़े, भैंस, रथ आदि बहुत से दान दिए और सेना सहित लौट गए। इसके बाद अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, हे मुने, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा भय होता है? तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग में लोग असत्यवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरे कर्म करने वाले और पितृभक्ति से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में तत्पर होंगे। एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेषी और शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, सत्कर्म का लोप हो जाएगा। शांति काल में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से दूर रहेंगे। असुरों के समान आचरण करने वाले और विष्णु भक्ति से रहित हो जाएंगे। दूसरे के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए ही भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर भी दूर भाग जाएंगे। कली काल में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले और मलिन होंगे, मदिरा पियेंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों से भी यज्ञ कराएंगे। कलयुग में स्त्रियां पति से द्वेष रखने वाली होंगी, पुत्र पिता से बैर रखने वाले होंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कलयुग में गायें प्राय दूध नहीं देंगी, वृक्षों पर फल नहीं लगेंगे। लोग कन्या बेचने वाले होंगे, गाय बकरी भी बेचेंगे, विष विषयक और रस विक्रय करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण वेद बेचने वाले और स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण कर लेंगी। प्राय लोग एकादशी का उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले, अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटीर वृत्ति से जीविका चलाने वाले और वेदों की निंदा में तत्पर रहेंगे, सन्यासियों की निंदा करेंगे और एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं माना जाएगा। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे, मलेच्छ राजा होंगे। प्राय सब विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही और शिष्टाचार से परायण होंगे। ये महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक साथ हो जाएंगे। मेरा यह वचन कभी अन्यथा नहीं होगा, अर्थात झूठा नहीं होगा। कलयुग प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण अपने स्थान से भ्रष्ट होंगे। ये बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे, पक्षपाती होंगे और वेद भ्रष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मारण्य तीर्थ को स्थापित किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोरक हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले इस धर्मारण्य महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातकों का नाश कर देता है। एक बार इसे सुनने या पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी इसे भक्ति से सुन लेता है उसे कभी नरक का दर्शन नहीं होता।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।